झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह प्रखंड ने बुधवार को कुवाड़ स्थित हटिया मैदान में छठा स्थापना दिवस समारोह मनाया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संघ संरक्षक अजीत कुमार मिश्रा व विशिष्ट अतिथि संघ अतिथि अध्यक्ष सहदेव महतो, सचिव प्रमोद कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रिया प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों को माला पहनाकर व बूके अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संघ द्वारा 10 सितंबर को कराए गए खेल प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय को समान अधिकार देना चाहिए। संविधान में भी अधिकार बच्चों से जुड़ी हुई है, इससे भारत नव निर्माण को नया आयाम मिलेगा। सरकार के साथ लोकतंत्र के प्रति सुदृढ़ होगी। निजी विद्यालय भी सरकार के कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। संघ के सचिव ने कहा, संघ में ही शक्ति है, हमें अपने गांव के बच्चों को निखारने की जरूरत है। संघ के अध्यक्ष ने कहा, बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा निखारने और पहचानने की जरूरत है, ताकि बच्चे आगे बढ़े और उनमें सर्वांगीण विकास हो सके। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य दीपक चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मेन संचालन गुल मोहम्मद अंसारी ने किया। मौके पर राम वर्मा, विकास वर्मा, जगदीश वर्मा, हीरालाल वर्मा, परमेश्वर प्रसाद वर्मा, प्रयाग प्रसाद वर्मा समेत कई शिक्षक, अभिभावक व बच्चे उपस्थित थे। जानकर के ताजुब होगा कि विश्व के 40% साइंटिस्ट आज विदेशों में जाके काम करना पसंद करते हैं, अपने देश में नहीं। इसका मूल कारण क्या है? यहाँ की प्रतिभाएं जब पलायन होती है, जो उच्च श्रेणी की प्रतिभाएं होती है, वो विदेशों में अपना काम करना पसंद करते हैं, भारत में नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं ये देशवाद और ये भारत की गरिमा को शायद कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया है, जाने या अनजाने। जरूरत है हम अपने संघ के सभी विद्यालयों को अपने क्षेत्र में बच्चों को उनके माता पिता के साथ मासिक बैठक में एक बात का जरूर प्रेरणा दें कि अपने बच्चे को कम से कम 6 घंटे जो उसके पाठ्य पुस्तक होते हैं उसका अध्ययन अवश्य करें।